स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द अल्जी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल्स ऑफ द अल्जी। यानी कि हम ये पढ़ेंगे आज कि जो अल्जी है उसमें किस तरह के डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं। तो नंबर वन जो है हमें नजर आता है कि है एलॉप्टिक टाइम लाइफ साइकिल, इट मीन्स मोनोफेजिक। मोनो मीन सिंगल, यानी कि ऐसे लाइफ साइकिल में सिर्फ आपको एक ही जनरेशन नजर आएगा और वो जनरेशन कौन सी है, गैमेटोफाइट है और होगी हैप्लॉइड। याद करना है कि जितना भी प्लांट है या अल्जी है उसमें गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा यानी उसका बॉडी भी हैप्लॉइड है। गैमेट एंजिया यानी कि उसके ऊपर गैमेट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पैदा होते हैं, मेल फीमेल उसके पार्ट्स पैदा होते हैं, देन स्पर्म और एग पैदा होते हैं। ऑल दीज आर द हैप्लॉइड। और ये भी आपसे कहता है कि दीज गैमेट्स मे बी आइसोमॉर्फिक, हो सकता है कि यहां पर दोनों जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल वो दोनों एक ही तरह के हो, या फिर एन आइसोगैमेट्स हो सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बकायदा स्पर्म और एग को लिख दिया है। वो जो गैमेट्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, देन उसके रिजल्ट के तौर पर जाइगोट फॉर्मेशन होगी, एन और एन टू एन यानी कि जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट के ऊपर मियोसिस होगी और मियोसिस जब भी होती है उसके बाद बनने वाला स्ट्रक्चर हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। तो वो जो स्पोर पैदा हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, दीज आर टर्म्ड एज मियोस्पोर। मियोसिस से मियोस्पोर बनते हैं और हैप्लॉइड स्पोर है और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे टर्मिनेशन करके उसी हैप्लॉइड के गैमेटोफाइट में दोबारा चेंज हो सकते हैं। ये साइकिल कहलाता है हैप्लॉइडिक मोनोफेसिक टाइप। दिस वन इज द सिंपलेस्ट एंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल कहां पर मिलेगा आपको यूनोथ्रिक्स और क्लेमाइडोब्लास्ट के अंदर नजर आ सकता है। अब हम देखते हैं नंबर टू, एक और लाइफ साइकिल है विच इज कॉल्ड डिप्लॉइडिक टाइप। बॉडी उसका डिप्लॉइड होगा लेकिन होगा फिर भी मोनोफेजिक, यानी कि उसमें एक ही जनरेशन होगी और वो जनरेशन कौन सी होनी है, यहां स्पोरोफाइट है। अगर हम आपसे कहें कि मोनोफेजिक हैप्लॉइडिक हो तो उसमें मेन बॉडी एक ही होगा और गैमेटोफाइट होगा और हैप्लॉइड होगा। जब हम कहते हैं आपसे कि मोनोफेजिक है और डिप्लॉइडिक है तो डिप्लॉइडिक मीन डिप्लॉइड होगा और वो बॉडी उसका स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड। हम चलते हैं नंबर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पर जिसका नाम है डिप्लॉइडिक टाइप लाइफ साइकिल। यानी कि इसमें मेन बॉडी डिप्लॉइड होगा और डिप्लॉइड कौन सा हो सकता है बॉडी, वो हमेशा स्पोरोफाइट होता है लेकिन होकर फिर भी मोनोफेजिक, मीन कि उसमें एक ही बॉडी होगा स्पोरोफाइट होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हैप्लॉइडिक भी मोनोफेजिक था, उसमें एक ही बॉडी था, एक ही जनरेशन थी और वाजी की जनरेशन पहुंचे थी गैमेटोफाइट थे। यहां भी एक ही जनरेशन होगी, एक ही फेज होगा, एक ही बॉडी होगा लेकिन वो स्पोरोफाइट होगा और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट तो उसके ऊपर उसके मेल और फीमेल ऑर्गन्स पैदा होते हैं, गैमेट या गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स पैदा होने हैं और वो अभी तक डिप्लॉइड है, मियोसिस होगी और हमेशा मियोसिस से पैदा होने वाली चीज हैप्लॉइड होती है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स स्पर्म ट्रैक बन गए, देन वो मिलेगा आपस में, क्या होगी फर्टिलाइजेशन और एंड और एंड टू एंड यानी कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट की जर्मिनेशन होगी और माइटोसिस से होगी, यहां मियोसिस नहीं होगी, यहां पर माइटोसिस हो गए उसके रिजल्ट के तौर पर बनने वाला बॉडी दोबारा उसका बॉडी फ्लाइट प्रोफाइल पैदा होगा। ये एडवांस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। कहां मिलता है आपको फ्यूकस के अंदर और डायट्रॉम्स के अंदर। देन नंबर थर्ड एक और लाइफ साइकिल है विच इज कॉल्ड डाइफेजिक टाइप। डाइफेजिक मीन यहां पर दो फेज है, गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है और उसके ऊपर गैमेट एंजिया बने, गैमेट एंजिया के जरिए स्पर्म और एग बने, गैमेट्स बने और हैप्लॉइड है।
क्योंकि गैमेटोफाइट खुद हैप्लाइड है, यहां जो स्पर्म और एग बनेंगे वो म्योसिस नहीं बल्कि माइटोसिस से बनते हैं, ये माइटोसिस की पैदावार है और ये स्पर्म है। देन एन और एन टू एन जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गई है, देन जाइगोट आगे चलकर स्पोरोफाइट बॉडी में चेंज होगा जो कि डिप्लॉयड है। देन स्पोरोफाइट में जो स्पोर बनते हैं वो म्योसिस से बनते हैं, जो ही म्योसिस होगी बनने वाले स्पोर हैप्लॉयड बने हैं उनको म्योसिस की वजह से म्यूस्पोर कहते हैं। देन म्यूस्पोर की टर्मिनेशन होगी, उससे बनने वाला दोबारा बॉडी हैप्लॉयड है। हम पढ़ रहे थे कि डाइफेजिक लाइफ साइकिल क्या होता है, नंबर थर्ड। अब डाइफेजिक दो तरह का होता है, एक होता है डाइफेजिक आइसोमॉर्फिक, वो जो हमने पढ़ा था। आइसोमॉर्फिक में गैमेटोफाइट एक ही होगा, यानी कि वहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं होते, डाइफेजिक आइसोमॉर्फिक। अब हमारे पास डाइफेजिक हेटरोमॉर्फिक, हेटरोमॉर्फिक में जो गैमेटोफाइट दो तरह का होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनते हैं, गैमेटेंट हैं और उनके जरिए स्पर्म और एग बनते हैं, हैप्लॉयड है। एंड्रोजन टू एंड जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जर्मिनेट करके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। देन स्पोरोफाइट के ऊपर म्योसिस होगी, उससे हैप्लॉयड मियोसपोर बनेंगे और वो जो मियोसपोर है वो आगे चलकर दोबारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। इसे कहते हैं डाइफेजिक। डाइफेजिक में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, लेकिन साथ हेटरोमॉर्फिक है। गैमेटोफाइट भी दो तरह के हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर फोर है हैप्लोबायोटिक टाइम लाइफ साइकिल, हैप्लोबायोटिक, यानी कि उसमें दो जनरेशन तो होगी लेकिन होगी दोनों हैप्लॉयड। यहां पर कहता है स्पोरोफाइट नहीं है, उसको नाम देगा कार्पोस्पोरोफाइट, और कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉयड नाम है। गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड और कार्पोस्पोरोफाइट भी हैप्लॉयड, तो पूरा लाइफ साइकिल हैप्लॉयड है। हैप्लो तो है हैप्लॉयड से, और बायोटिक मीन पे दो तरह के फेज तो होंगे लेकिन दोनों फेज होंगे हैप्लॉयड। जैसे गैमेटोफाइट अगर है तो उसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट से आगे चलकर स्पर्म और एग बनेंगे, स्पर्म और एग मिलेंगे उससे फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनो, जाइगोट के ऊपर म्योसिस हो जाएगा, यानी कि जाइगोट से बनने वाला बॉडी म्योसिस की पैदावार है। हमने कहा था जब भी म्योसिस होगी चीज आगे हैप्लॉयड लाती है, तो यहां जो कार्पोस्पोरोफाइट है हैप्लॉयड है, क्यों, म्योसिस की पैदावार है। वो कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनते हैं, कार्पोस्पोर ये माइटोसिस से बनेंगे, क्यों, वो खुद बॉडी हैप्लॉयड आ रहा है। कार्पोस्पोरोफोर चेंज हो जाते हैं जर्मिनेशन से कैटेंसिया स्टेज, कैटेंसिया या कैटेंसिया स्टेज, यानी कि एलजी लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक, और वो एलजी लाइक स्ट्रक्चर कैटेंसिया दोबारा गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। लास्ट हमारे पास है कि डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों स्टेजेस होनी है, गैमेटोफाइट भी है कार्पोस्पोरोफाइट भी है, और यहां गैमेटोफाइट फिर दो तरह के हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब हुआ जो हैप्लोबायोटिक है उसमें गैमेटोफाइट एक ही है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट वहां अलग अलग नहीं है। अब मेल फीमेल गैमेटोफाइट भी आ जाने और साथ आगे जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगी वो डिप्लॉयड है। देखो हमने पीछे कहा कि हैप्लोबायोटिक में गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट दोनों हैप्लॉयड है, लेकिन जब डिप्लोबायोटिक होगा तो उसमें गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है और कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड बन गया। वो जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है कहां मिलेगा आपको, बेट्रैकोस्पर्म के अंदर, बेट्रैकोस्पर्म, और ये वाला कहां मिलेगा, पॉलीसेफोनिया के अंदर। अब इसमें क्या होगा, मेल और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनियम पैदा होंगे, यानी कि मेल और फीमेल आगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। स्पर्मेटेंजिया से स्पर्म बनेगा, कार्पोगोनियम के जरिए वह उसके अंदर एग बनेगा, एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट एंड्रोजन टू एंड्रोजन। Then zygote आगे चलकर माइटोटिकली
माइटोसिस से कार्बोस प्रोफाइट डिप्लाइन में चेंज होगा। देखो फर्क क्या आ रहा है, हैप्लोब्योटिक में जाइगोट के ऊपर मिटोसिस हुई थी तभी बॉडी अप्लाइड हो गया था, लेकिन यहां पर जाइगोट के ऊपर मिटोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी तभी आगे बनने वाला बॉडी कार्बोस प्रोफाइट को डिप्लाइड हो गया। देन कार्बोस प्रोफाइट के ऊपर कार्बोसोपोर लगते हैं, ये भी डिप्लाइड है। कार्बोसोपोरोफाइट्स जर्मिनेट करके चेंज हो जाएंगे टेट्रास्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर, ये डिप्लाइड है। देन टेट्रास्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगी तो बनने वाले टेट्रास्पोर ये अप्लाइड है, बनते चार स्पोर है और वो जो टेट्रास्पोर्स है वो आगे जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे कि डिप्लोगैमेटिक टाइप का चक्कर। आज हमने ये फाइव डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल पढ़े हैं, ये आगे चलकर डिफरेंट डिविजन्स के अंदर लाइफ साइकिल रिपीट होंगे और वहां आपको ये मददगार साबित होगा। फिलहाल आपने यहां से उसको क्लियर करना है ताकि आगे फिर परेशानी ना हो।